सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं उन महान शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करिए, अपना व्यापार न्यौछावर किया, अपने जो है परिवार न्यौछावर किए, और इसके साथ साथ जो है रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे लिए ये दोनों त्यौहार जो है बहुत खुशियाँ लेकर आए हैं। टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, और विशेषकर हरियाणा प्रदेश के हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर, रवि दहिया ने रजत पदक जीतकर, बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर जो है पूरे देश का नाम रोशन किया है। और उसके साथ साथ जो 41 वर्ष बाद हॉकी में कांस्य पदक जो है हॉकी टीम को मिला है, उसमें भी टीम में हमारे सोनीपत के भाई सुमित कुमार, कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र कुमार जैसे खिलाड़ियों ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और महिला हॉकी टीम भी वहां पर जो है ओलंपिक में पहुंची और उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वो पदक से वंचित रह गए, लेकिन मैं उनको सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आगे आने वाले समय में वो लोग जो है एशियाड में, वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में और कॉमनवेल्थ में, 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में और अच्छा प्रदर्शन करके जो है देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद। सोनीपत नगर निगम निवासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में पदक जीत कर आए हैं, जिन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही जितने लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानियां दी, अपनी जान गवाई, उन सभी को नमन करता हूं। इसके साथ ही सभी देश प्रदेश वासियों को एक आह्वान भी करता हूं कि हमारी आज़ादी अधूरी है, इसमें अभी भी देश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा प्रॉपर नहीं है, स्वास्थ्य सबको नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को उसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। हम लोगों को अपने हकों के लिए जागरूक होना चाहिए। ये जितने भी अन्याय होते हैं, उसका कारण ये होता है कि हम लोग अपने हकों के प्रति जागरूक नहीं हैं, और इस कारण से हम लोग जो है उनके हकों को पूरा करने के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। अभी हाल ही में पेपर आउट हुआ, पेपर आउट होने के बाद युवाओं ने अपने हकों की आवाज़ के लिए चारों तरफ पूरे हरियाणा में जो है प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए और अपने हकों को बुलंद किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आगे से पेपर लीक नहीं होंगे और ये व्यवस्था सुधरेगी। आप जिस भी चीज़ को सुधारना चाहते हो, जो भी चीज़ जो है, जो व्यवस्था बनाना चाहते हो, वैसा करने के लिए आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को अंजाम दिए बिना आप लोगों को जागरूक करते हुए, लोगों को बातें बताते हुए, उनको सही समझाते हुए आप उनको पूरा करवा सकते हैं। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं योगेश पाल अरोड़ा, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सोनीपत। आप सभी सोनीपत वासियों को, प्रदेश वासियों को, देश वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। वह शहीदों को नमन करता हूं जिनके कारण आज हम खुले आसमान के नीचे आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं साथ ही साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको, आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा के सोनीपत विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के पूर्व में रहे मीडिया सलाहकार राजीव जैन के नेतृत्व में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालकर उन देशभक्त शहीदों को याद किया गया जिनकी कुर्बानियों के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सोनीपत के अग्रसेन चौक पर बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर यात्रा का शुभारंभ किया। सोनीपत के अग्रसेन चौक से यात्रा शुरू होकर बस स्टैंड, ओल्ड डीसी रोड, कच्चे क्वार्टर, सुभाष चौक से होती हुई पुरानी अनाज मंडी में पहुंची। यात्रा में शहर के हजारों लोगों ने भाग लिया,
यात्रा का जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा से स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री योगेश पाल अरोड़ा ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी देश की आन बान और शान पर खतरा हो आया है तो भारत माता के लिए कुर्बानी देने वालों में हरियाणा और सोनीपत जिला कभी भी पीछे नहीं रहा। यहां के वीर जवानों का हमेशा अग्रणीय योगदान रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता राजीव जैन ने कहा कि आज तिरंगा यात्रा को जिस प्रकार से सोनीपत की जनता ने ऐतिहासिक बनाने का काम किया है उसके लिए सोनीपत की जनता बधाई की पात्र है। जैन ने कहा कि सोनीपत की जनता ने दिखा दिया है कि उनके लिए देश की आन बान और शान तिरंगे का सम्मान सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि देश में 15 अगस्त को पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन आजादी दिवस होता है। इस आजादी दिवस पर वे उन शहीदों को नमन करते हैं जो कि देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर गए।
उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। शहर की जनता की खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि ओलंपिक में हरियाणा के लाडलों ने परचम लहराया है और पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने भी तिरंगा फहराया है। सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। देखिए क्या कहते हैं भाजपा के आला नेता। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये हमें जो देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनके रास्ते पर चलने के लिए जो हमारे लोग आज तक शहीद हुए हैं, चाहे हमारी सीमाओं पर, चाहे आज़ादी की लड़ाई में, उन सबको याद करने के लिए और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं हम भी उनके रास्ते पर चले जिससे देश का मान सम्मान बढ़े और हमारा देश आगे बढ़ता हुआ तरक्की करे। सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, ये सोनीपत जिले की छठी तिरंगा यात्रा है। हमारी 5 तिरंगा यात्रा पूरी हो चुकी है, ये आज लास्ट तिरंगा यात्रा है। सोनीपत विधानसभा की अगरसैन चौक से शुरू होके बस अड्डे से पुराना रोहतक रोड, कच्चे क्वार्टर, गीता भवन चौक, फिर छोटू राम चौक, ककरोई रोड, पेट्रोल पंप वाली गुरोई, उसके बाद मंडी में समापन होगा। और आप जिस तरह से देख रहे हैं, जो देशभक्तों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, धार्मिक कार्यकर्ताओं का, सबका एक जमावड़ा लगा हुआ है। मैं सभी देशवासियों को, सोनीपत वासियों को, हरियाणा वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि इस अवसर पर सभी के हाथों में तिरंगा लेकर बाहर आए और 15 जो अगस्त का दिन है इसको बड़े धूमधाम से मनाएं। जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, पूरे हरियाणा में और आज सोनीपत जिला के सोनीपत विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली है, सभी इसके भाव में बह जाएं और इसमें शामिल हो जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण 90 की 90 विधानसभा में शहीदों को सम्मान देने के लिए शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जिसको लेकर के आज सोनीपत विधानसभा के अंदर भी शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी तादाद के अंदर देशभक्तों की टोली जो है तिरंगा को लेकर के शहीदों को सम्मान देने के लिए निकली है। ये लोग अति उत्साहित हैं, ये आपके सामने उत्साह है कि लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ अग्रसेन चौक से शुरू होकर के इसका समापन पूरी मंडी में होगा। आज शहीदों को नमन करने का दिन है और हम सब लोग मिलकर के भारत माता की जय हो, देश आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी जी के कहने पर 4100 विधानसभाओं के अंदर ये प्रोग्राम चल रहे हैं, पूरे 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक। भारत माता की जय। और जितने भी शहीद हुए हैं उनको नमन करने का दिन है आज। इस यात्रा के बहाने से हम ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से शहीदों को हम नमन करते हैं। देखिए, आज जो है देश की, हमारी स्वतंत्रता के राष्ट्रीय पर्व है, आज़ादी दिवस है, और इस आज़ादी दिवस के अवसर पर मैं उन महान शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। और आज उनके मान सम्मान में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरे शहर की जनता में जो जोश और उमंग है इस यात्रा को लेकर, उन शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने को लेकर, मैं शहर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए जो है, और ये खुशी हमारी दोगुनी हो चुकी है, टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने वहाँ पर भी जो है तिरंगा फहराने का काम किया, स्वर्ण पदक, रजत पदक जीतने का काम किया, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और जो है हमारे बजरंग पूनिया जी ने, हमारी हॉकी महिला की खिलाड़ी ने बहुत प्रदर्शन किया, हमारी हॉकी की टीम ने 41 साल बाद जो है कांस्य पदक जीता। मैं सब खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे ये आज़ादी का दिवस जो है आज उसका खुशी जो है दोगुनी हो चुकी है। जय हिंद।